फोर्ड मोटर्स इंडिया में अगले साल से ही कई सारी गाड़ियों को लॉन्च करने वाला है, जिनमें एसयूवीज, हैचबैक शामिल रहेंगी। और ऐसी ही फोर्ड की एसयूवी है एंडेवर, जिसकी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पाई किया गया। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी स्पाइड एंडेवर के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप एंडेवर और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर राइट बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2022 फोर्ड एंडेवर की स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2022 एंडेवर के रियर क्वार्टर और साइड प्रोफाइल को देख सकते हैं, जहां पर ये एक मैसिव साइज एसयूवी दिख रही है। इनफैक्ट ये टेस्टिंग मॉडल तो करंट जनरेशन से भी बड़ी दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि फोर्ड नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर के कैबिन में बेस्ट इन क्लास स्पेस और कंफर्ट प्रोवाइड करवाएगी। बाकी अगर इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो वो काफी बढ़िया लग रहा है, जहां इसको मैसिव साइज के अलॉय व्हील्स दिए हुए थे। बाकी स्पाइड वेरिएंट में रियर टोइंग हुक, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और रैप अराउंड टेल लाइट्स वाले फीचर्स फिटेड दिख रहे हैं। इन फीचर्स के अलावा इस मॉडल में ऑल ब्लैक अलॉयज और ऑल ब्लैक कलर की रूफ रेल वाले फीचर्स भी फिटेड थे। चलिए अब इसकी दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके फ्रंट क्वार्टर को देख सकते हैं, जहां से देखने पर भी एक मैसिव साइज एसयूवी दिखती है। इसके फ्रंट में इसके नेक्स्ट जनरेशन स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप का फीचर मिल सकता है, जो कि बाकी स्प्लिट हेडलैम्प के सेटअप से ज्यादा इनोवेटिव और माचो लुक्स ऑफर करेगा। बाकी इस इमेज में देखने पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा लग रही है, जो कि इस साइज की एसयूवी में मिलनी भी चाहिए। और इस स्पाइड इमेज में आप इसके हेडलैम्प्स को क्लियरली देख सकते हैं, जो कि ट्रिपल लेयरिंग में ऑफर की जाएंगी। और इन हेडलैम्प्स के थोड़ा नीचे इसको फ्रंट फॉग लैम्प्स का फीचर भी दिया हुआ था। नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर में हमें HID या फिर अडैप्टिव LED हेडलैम्प्स मिल सकती हैं टॉप एंड वेरिएंट्स में। तो ये तो होगी 2022 एंडेवर की स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। 2022 एंडेवर में हमें काफी सारे डीजल इंजन के ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिनमें से एक इंजन होगा 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 170 PS की पीक पावर और 420 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 6-speed मैनुअल और 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। दूसरा इंजन होगा 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन, जो कि 213 PS की पीक पावर और 500 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 6-speed टॉर्क कन्वर्टर या फिर 10-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है। और तीसरा इंजन होगा 3 लीटर V6 टर्बो डीजल इंजन, जो कि 250 PS की पीक पावर और 600 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें सिर्फ 10-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। और इन इंजन्स के अलावा एक और इंजन है, जो कि फोर्ड हमें नई एंडेवर के साथ शायद प्रोवाइड करवाए, और वो इंजन है 2.3 लीटर टर्बो पेट्रोल प्लग इन हाइब्रिड इंजन, जो कि मैसिव 270 PS की पीक पावर और 680 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो होगी 2022 एंडेवर के एक्सपेक्टेड इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर में हमें फुल LED या फिर HID हेडलैम्प्स विद अडैप्टिव फंक्शन, LED कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स, LED टेल लाइट्स, पैनोरामिक सनरूफ, साइड फुट स्टेप्स, 20-inch अलॉय व्हील्स, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 10-inch टच स्क्रीन सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल जोन ऑटोमेटिक AC, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कारटेक, रिमोट कमांड्स, फ्रंट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स विद मेमोरी फंक्शन, फ्रंट वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, साउंड मूड लाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर AC वेंट्स, थर्ड रो AC वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सेकेंड एंड थर्ड रो सीट्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, ड्राइव मोड्स, टेरेन मोड्स, फोर व्हील ड्राइव सिस्टम, लेदर आप स्टेयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, रियर विंडो कर्टेन्स, एयर सस्पेंशन, ऑटो पार्क असिस्ट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर रिक्लाइनिंग सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर,
रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी में नई एंडेवर में हमें 9 एयरबैग्स, ABS, EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरास, रेडार बेस्ड सेफ्टी टेक, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन वॉच कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो क्रूज कंट्रोल, ऑटो स्पीड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं। तो ये तो होगी 2022 एंडेवर के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। फोर्ड इस नई एंडेवर को 32 लाख से 45 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च 2022 के सेकेंड हाफ में है और लॉन्च होने के बाद ये SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक, महिंद्रा एल्टिरास G4 और फॉक्स वैगन टिगवान ऑल स्पेस जैसी SUVs के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से 2022 फोर्ड एंडेवर से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।